नमस्कार, वेलकम। मैं संतोष शर्मा, व्हाइट लोटस स्पिरिचुअल चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि रुद्राक्ष के मेंटेनेंस कैसे किया जाए, हाउ टू मेंटेन रुद्राक्ष। किसने ये सवाल पूछा है मुझे, मेंटर का मतलब है कि रुद्राक्ष को किस तरीके से पहना जाए, रखा जाए कि रुद्राक्ष खराब ना हो जाए। बहुत लोगों ने ये भी पूछा है क्या उसको दूध में डुबाना चाहिए, उसमें कौन सा तेल लगाना चाहिए, या इसके ऊपर कुछ भभूत भस्म लगा देना चाहिए तो सिर रहेगा, या इसको क्या साबुन से धोना चाहिए, क्या गंगा जल से धोना चाहिए, आदि आदि। तो इन सभी सवालों का जवाब मैं बहुत संक्षिप्त में देने वाला हूं। पहली बात तो यह है कि रुद्राक्ष मेंटेन करने के लिए आपकी सहायता की जरूरत नहीं है। रुद्राक्ष एक फ्रूट है, एक फल है वृक्ष का, और ये प्रकृति से बनाई हुई चीजें हैं, तो इसमें मेंटेनेंस की कोई बात नहीं आती है। हाँ, कुछ परहेज की बात जरूर आती है। परहेज यह है कि रुद्राक्ष को बार बार धोना पानी से, क्योंकि यह फल है और इसका अंदर बीज है, इसको बार बार अगर धोएंगे तो इसको हानि पहुंच सकती है। क्यों? जिस पानी से आप धो रहे हैं इसको, उस पानी जो पानी नल से आ रहा है, तो उसमें वो पानी का जो हार्डनेस कितना है, उस पानी में क्या क्या खनिज पदार्थ मिले हुए हैं, क्या क्या चीजें उसमें है, इम्प्यूरिटीज वगैरह है, ये सभी रुद्राक्ष के ऊपर में लेयर्स बना देंगे। दूसरी बात, पानी को यदि बार बार आप भिगोते रहेंगे और सूखेगा नहीं, जैसे बरसात का दिन हो तो रुद्राक्ष ठीक से सूख नहीं पाता है, या ठंड का दिन हो सूख नहीं पा रहा है, तो भी उसके अंदर जो बीज वगैरह होते हैं उसमें हानि पहुंच सकती है। रुद्राक्ष को साबुन से धोने से उसमें केमिकल्स के लेयर बन जाएंगे, इसे साबुन से नहीं धोना चाहिए। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि नहाते समय रुद्राक्ष को उतार दीजिए, क्योंकि नहाते समय साधारणतः हम लोग सभी इस्तेमाल करते हैं साबुन और शैंपू इस्तेमाल करते हैं, जो कि केमिकल्स होते हैं, जो कि रुद्राक्ष ऊपर में एक आवरण बना देता है, इसको नहाते समय नहीं पहनना चाहिए। इसलिए दूसरी बात मेंटेनेंस की ये आती है कि क्या इसको रात को उतार दें, क्योंकि रात को सोते हुए पहनेंगे तो यहां वहां लगेगा, खराब हो जाएगा, इस प्रकार की शंकाएं होती है। मैं कहता हूं कि रात को रुद्राक्ष को यदि आप कंफर्टेबल हैं तभी आप पहन के सोए, अन्यथा इसको उतार दें, क्योंकि गर्मी के दिनों में, बरसात के दिनों में जब ह्यूमिडिटी इतनी ज्यादा होती है तो रुद्राक्ष आप पहनेंगे तो परेशानी तो होगी ही। तो रात को उतार कर रख दें, केवल इतना ध्यान रखें कि इसको मोबाइल फोन के पास ना रखें, मोबाइल फोन आपका ऑन है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से बचाने की बात करता हूँ। तीसरी बात यह है कि कैसे मेंटेन करें, इसके ऊपर में भस्म ना लगाए, भस्म लगाने से ये जो नैनो ट्रांसमीटर्स होते हैं इसको ब्लॉक कर देता है। इसके ऊपर परफ्यूम हो सके तो ना छिड़के, क्योंकि वो प्रकार के एक केमिकल्स है। इसके ऊपर घी तेल लगाने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसको कोई भी चीज से लेप ना लगाए, ना इसको धोए, कोई जरूरत नहीं है। आपको शायद लगेगा कि हम जो मुझे तो पसीना आता है, स्वेट करता हूं मैं, तो रुद्राक्ष को धो देना चाहिए, रुद्राक्ष का रंग तो काला पड़ गया, मैं क्या करूं। देखिए, रुद्राक्ष का रंग काला पड़ने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसको साल में एक बार आप धो सकते हैं। मैं कहता हूं शिवरात्रि के समय में इसको एक बार गंगा जल से, शुद्ध गंगा जल से या फिल्टर वाटर से, जहां की इम्प्यूरिटीज ना हो। गंगा जल के बाद इसलिए करते हैं कि वहां इम्प्यूरिटीज नहीं होती, ऐसी मान्यता है, लेकिन गंगा जल इतनी प्रदूषित हो चुका है कि कहीं का गंगा जल से काम नहीं चलेगा। ये तो ये कहा जाए कि शुद्ध जल से, प्योर वाटर से इसको धोना चाहिए, और धोने के बाद इसको छोटा सा ब्रश, छोटे बच्चे जो ब्रश करते हैं उससे इसको साफ कर लेना चाहिए और सुखा के इसको पहन देना चाहिए। प्रतिदिन इसको थोड़ा धूप अगरबत्ती होते दिखा तो नेगेटिविटी कुछ यदि जब क्या होता है तो उससे रुद्राक्ष मुक्त हो जाता है। इसके अलावा किसी प्रकार की और मेंटेनेंस की जरूरत रुद्राक्ष पहनते समय नहीं है। आप इसको हरदम पहनिए, और बार बार कहता हूं कि लेडीज गर्ल्स, यदि आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम में इसको आप पहनते हैं तो ये आपकी रक्षा करेगा। कोई नेगेटिव चीजें हैं आप पहनिए, रक्षा करेगा। लोग कहते हैं घर में कोई मृत्यु डेथ हो गया तो ना पहने। आज सुबह एक फोन आया था मेरे पास जिसमें लड़की पूछ रही थी दादी की डेथ हो गई है तो रुद्राक्ष पहनते रहे, तो मैं कहता हूँ कि नेगेटिविटी बढ़ी हुई है घर में, आप रुद्राक्ष जरूर पहने और प्रोटेक्शन में रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और सब्सक्राइब करें। रुद्राक्ष के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए बहुत ज्यादा और जानना चाहते हैं, संपर्क साधना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, तो हमारे वेबसाइट को लॉग इन करें, www.5lotusspiritualdev.com।
अधिक जानकारी के लिए हमारे वेबसाइट को लॉगिन करें www.whitelotusspirituality.com। संपर्क साधने के लिए वेबसाइट में सभी लिंक दिए गए हैं। वीडियो को आप लाइक करते हैं तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं विंग कमांडर संतोष शर्मा, वाइल्ड लोटस स्पिरिचुअलिटी के संस्थापक। नमस्कार, खुश रहें।